हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब हेलो दोस्तों? आपने देखा लास्ट जो हमारा व्लॉग था, लॉकडाउन वाली शादी जो कि थी मेरे बेस्ट फ्रेंड की। तो आज मैंने रियलाइज किया कि शादी तो अच्छे से निपट गई, सब कुछ हो गया, बट क्या हुआ कि शादी के चक्कर में जो हमारा रूम है वो इतना गंदा, बहुत ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। पूरा मैसी। मतलब मैंने कभी अपना रूम ऐसा नहीं देखा जैसा आज देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग भी बन जाएगा और रूम क्लीन करते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, ये हमारा रूम का रूम का हाल इस समय। ये देखो बच्चों मेरे वाले रूम मेरा का हमारा जो टेडी बियर है उसको देखो यार, वो भी जरा कपड़ों से ढका हुआ है। हटाओ उसको, हटाओ हटाओ, मैंने तो आज ध्यान दिया इसके ऊपर। सेट करेंगे ना अभी। हाँ, और ड्रेसिंग रूम में लेके चलता हूँ आपको, वो तो उससे भी ज्यादा जो ध्यान लगा ले ड्रेसिंग रूम लग नहीं रहा जो ड्रेसिंग रूम में लग रहा। ये देखिए बहुत बुरी हालत है, बहुत ही ज्यादा। बेबी, व्हाट इज दिस? ये देखिए दोस्तों कितनी बुरी हालत है। चलिए आइए दोस्तों, क्लीन करते हैं रूम को। बेबी सच में बहुत गंदा है यार। स्टार्टिंग की है कपड़ों से हमने। ये मैं तो इसको मैं वैसे तेज डाल नहीं दूंगा। मेरे को तो हाँ छोड़ चलो रहा बेबी जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। हमने आज बहुत 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 सफाई करनी है। हूँ। ये कर रहा हूँ मैं। आराम से आराम से। ये तुम्हारी एंगेजमेंट का लहंगा है ना? ये किसकी पसंद का था? नहीं बेबी झूठ मत बोलो, ये था मेरी पसंद का। मतलब तुम्हें पसंद आ गया था क्योंकि इससे अच्छा वहां पे कुछ था नहीं, बट पहले पसंद मैंने किया था। तुम और ऑप्शन सोच रही थी और कुछ मिले, बट और कुछ अच्छा मिला नहीं इससे। या नहीं था ऐसा कुछ? भाई मेरी शादी का सेहरा। हाँ हमारी शादी का। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं गाइस कर रहा हूँ कि मुझे ये सारा, अब हम सोचे सफाई जब कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो ये अलमीरा के ऊपर बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत डस्ट चढ़ी हुई है, तो जो मैं सोच हम रहा हूँ कि काफी टाइम से सोच रहे थे हाँ साफ ये करने का। करेंगे, बट हम कर नहीं पा रहे थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम ये सारा सामान साफ करते हैं। पर ये सामान उतारना भी इजी नहीं है क्योंकि ये गुंजन का दहेज का सामान आया हुआ, मतलब मेरा दहेज आया हुआ है। नो ये देखो यार, इतना सामान रखा हुआ है अलमारी के ऊपर। इतना सामान कोई रखता है अलमारी के ऊपर? आपने रखा है बेबी। अब मुझे पढ़ने वाली है डांट क्योंकि मुझे दिखती है ये। हाँ ये हमने केटल ली थी कॉफी के लिए कि हम अपने दिन में ग्रीन कॉफी बनाया करेंगे या ग्रीन टी बनाया करेंगे, बट क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग में ही खराब हो गई और इसको साल हो गया खराब हुए। तो गुंजन ने पीछे पड़ी हुई थी, इसको ठीक करवाओ ठीक करवाओ ठीक करवाओ, गारंटी में है। बट आपने नहीं कराई। मैं तुम्हें नहीं ला दूंगा बेबी, क्या बात कर रही हो। बट ये भी नहीं है, ये तो नहीं है, दो दो चार दिन चली है बस। यहाँ इतना गंद पड़ा हुआ ऊपर, झाड़ू लेके आओ। चलो झाड़ू। यस
अब हम लगाएंगे झाड़ू। मेरे पीछे हो जाओ तुम। सिर भी तुम। ओह माय गॉड। मेरी कॉफी का पैकेट। गाइस ये मैंने मंगवाए थे कुछ प्रोटीन लॉकडाउन से पहले, और जिस दिन ये आए उससे 2-3 दिन बाद हो गए लॉकडाउन, और ये ऐसे ही पड़े हुए, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 4 महीने हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वर्कआउट शुरू करूँ और इनका भी यूज हो। मैंने ये सोचा था कि ये सब प्रोटीन जो है ना मैं ऊपर रख लेता हूँ, क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है, तो मैं इसको खाली करके। अरे मजा आ गया। क्या हुआ? 10 मिले। चलो क्योंकि हम शाम को चिज्जी खाएंगे, ठीक है? मिल रहे तो 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। हाँ ये मैं सब इसको ऊपर रखता हूँ और इस एरिया को क्लीन करता हूँ। ओके ड्रेसिंग एरिया हमारा हो गया है क्लीन, जितना हम कर सकते हैं उतना हमने कर दिया। ऑलमोस्ट हो गया। ये ऊपर का सामान जो मैंने अभी ऐसे रख दिया है, बट ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़े टंगे हुए थे जो गंदे थे कुछ, और कुछ साफ थे, तो ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। अब बारी है इस रूम को क्लीन करने की। देखिए ये हम ऋषिकेश से लाए थे, ये ऋषिकेश से लाए थे, और ये भी ऋषिकेश से लाए थे। चलो अब हम क्लीन करते हैं अपना रूम। अब गाइस गुंजन कर रही है अपना थोड़ा सा सामान पैक मेकअप का, जो कि कल से यहीं पड़ा है। टाइम नहीं मिला इसलिए यहाँ पड़ा हुआ है। गुंजन का एक प्लस पॉइंट है कि वो मेकअप के लिए बाहर नहीं जाती, घर पे ही कर लेती है। आज तक वो सिर्फ शादी में पार्लर गई थी, उसके बाद अभी मेरे फ्रेंड की शादी, तो मैं उसको बहुत बोला कि बाहर से तैयार होना, बट वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी बाहर। जब सारा चलो मेरे लिए बढ़िया है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरे पैसे बच रहे हैं। चलो ये तुमने उठा दिया सारा सामान, अब तुमने करना है ये मेरा कोट पैंट भी उठाओ यार, ये भी चला देखना ये कहाँ, इसको उठाओ यहाँ से, कोट पैंट उठाओ।
मेहनत करने के बाद, और हालत इतनी खस्ता हो गई थी रूम साफ करके कि अभी नहा के आना पड़ा। तो दिखाता हूँ आपको अपना रूम। ये देखिए गाइस, बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली साफ हो गया और ऐसा दिखता है हमारा रूम, मतलब नॉर्मल डेज में वो इस बार कुछ ज्यादा ही गंदा हुआ था। ये हमारी फोटो जो हमें मिली थी बर्थडे पे गिफ्ट। नहीं जी, बर्थडे में मिली थी। नो, एनिवर्सरी में। हाँ याद आ गया, एनिवर्सरी में। तो अब हमने इतना काम किया तो हमने सोचा कि थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट बनती है, तो हम छोटी सी एक पार्टी कर रहे हैं। छोटी सी पार्टी हमने बनाई है, चाट और कुछ नमकीन और कोल्ड ड्रिंक। तो आइए आपके साथ मिलके करते हैं ज्वाइन। ओके गाइस, थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉच अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।